हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। यहां पुलिस कर्मियों ने सभी कांवड़ियों पर फूल बरसाए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कांवड़ियों पर गुलाब और गेंदे के फूलों से बारिश की गई। ऐसे भव्य स्वागत से कांवड़िए काफी उत्साहित हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम भी किए गए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, जितने भी कांवड़िए आ रहे हैं हरिद्वार नगरी में इनका भव्य स्वागत किया जाए, इनके साथ मृदु व्यवहार रखा जाए, हर संभव की मदद की जाए। इसी के क्रम में आज जो है जगह जगह हमारे पुलिस अधिकारी प्रशासन के लोग कांवड़ियों का फूल बरसा के स्वागत कर रहे हैं। उनकी जो छोटी छोटी कोई आवश्यकता है उसको भी तत्काल मौके पर अटेंड कर रहे हैं। एक दो छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट्स उस पर मौके पर अधिकारी भी जाकर उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। और अभी आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि पुष्प वर्षा की जाएगी, सबकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाया जा रहा है जिसमें उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दी जा सके और एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ हरिद्वार देवनगरी में जितने लोग आ रहे हैं मैसेज लेकर पूरे देश के कोने कोने तक जाए, यही हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड पुलिस का। इससे नेचुरली फायदा मिलता है जब वो देखते हैं इस तरह से हम स्वागत कर रहे हैं उनका और यहाँ पर इस तरह पुलिस प्रशासन लगा हुआ व्यवस्थाओं में, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज लेके जाते हैं पुलिस के प्रति जो एक निगेटिव कभी कभी भावना बन जाती है वो भी दूर होती है और आपसी सामंजस्य से पूरी कांवड़ यात्रा सकुशल निकलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। फूलों के द्वारा स्वागत किया गया है, पहले लाठी बरसाई जाती थी, आज फूल बरसाए जा रहे हैं। सारे कांवड़िए खुश हैं, सारे के सारे, एक भी कांवड़िए से पूछ लो कोई दुविधा नहीं आई, सारी सुविधा कर रखी है। हर मोड़ पे पुलिस वाले हैं, हर मोड़ पे ये सेवा करने वाले टेंट लगे हुए हैं, हर चीज की सुविधा कर रखी है। और अपनी कांवड़ 3-4 कांवड़े हैं, ये 40 लीटर कांवड़ है, कोई 12 लीटर है, कोई 5 लीटर है, ये वाली कांवड़ नॉन स्टॉप चलती आई है, दो बारी रुकी है बस।